इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम हेक्सोपोर्स के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या बॉडी की अडेप्टशंस हो सकती हैं उनको डिस्कस करेंगे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बिहेवियर सच एज कुछ एनिमल्स जो हैं दे विल मस्ट बी रिक्वायरिंग सन टू कूल डाउन देयर एक्स्ट्रा हीट एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई बॉडी टेम्परेचर है दे मस्ट बी सीकिंग द शेड और अदर मॉइस्ट हैबिटेट वेयर दे कैन गो एंड कूल डाउन देयर बॉडी टेम्परेचर एंडोथर्म्स जो हैं दे कैन आल्टर देयर मेटाबॉलिक हीट या मेटाबॉलिक रेट फॉर द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं जब उनके अंदर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है दे शो द प्रोसेस ऑफ शिवरिंग और उस शिवरिंग से बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा या समटाइम्स थ्रू शिवरिंग नॉन शिवरिंग ये जो है अडेप्टेशन हैं उनकी बॉडी में जो कि थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वैसो कंस्ट्रिक्शन वैसोकन्स्ट्रिक्शन श्रिंकिंग वैसोडाइलेशन वैसो वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या है वैसल्स का होना वैसोडाइलेशन वैसल्स का डायलेट होना वैसल्स उस प्रकार डायलेट करती हैं जब ब्लड वेसल्स एक्सपेंड करेंगी स्किन पे और ऑर्गेनिजम्स जो हैं एनवायरनमेंट के साथ अपनी हीट को एक्सचेंज करेंगे तो ये वैसोकस्ट्रिक्शन वैसोडाइलेशन दीज आर आल्सो द अडेप्टशंस दैट आर यूज बाय द एनिमल्स टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर इसी तरह से एक और मैकेनिज़्म है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जिसको हम कहेंगे काउंटर करंट हीट गैस एक्सचेंज ये अरेंजमेंट है ब्लड वेसल्स की जिसके दौरान वार्मर से कूलर रीजन और यूजुअली ब्लड uh, की ट्रांसफ़र होती रहती है और इस ब्लड ट्रांसफ़र से हीट का एक्सचेंज भी होगा कूलर से वार्मर रीजन और वार्मर से कूलर रीजन पे कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि बॉडी इंसुलेशन को यूज़ करेंगे या उनके अंदर अवेपोरेशन का प्रोसेस भी होगा और ये अवेपोरेशन के जो मेकनिज़म हैं इसमें आ जाते हैं स्वेटनिंग पेंटिंग और ये स्वेटनिंग और पेंटिंग का प्रोसेस जो है दैट इज आल्सो यूजफुल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन इन द बॉडी हेट्रोथर्मिक इंसेक्ट्स जो हैं इन्होंने भी अपने इनकी बॉडी ने भी अडेप्ट किया है कि वो टेम्परेचर एक्स्ट्रा जो है उसको कंट्रोल कर लें एक्सेस हीट्स को क्योंकि इनके फ्लाइट मसल्स जो हैं इंसेट्स की फ्लाइट के दौरान क्वाइट एनर्जी यूटिलाइज होगी तो इनका टेम्परेचर लो हो जाएगा इसी तरह से थ्रेसिक टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट इसके अलावा कुछ और भी मैकेनिज़म्स हैं जिसमें आ जाएगा बिहेवियर थर्मो रेगुलेशन क्योंकि बाजा एनिमल्स का बिहेवियर भी ऐसा होता है जो उनके थर्मो रेगन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा Kuch animals as hai, they normally show the basking in the sun that is helpful in regulation of their body temperature. These are the some of the animals that are showing the behavioral adaptations to regulate their temperature. Elephant is normally at a cool, moist place that will reduce its extra temperature. This is the alligator, it is again at the basking behavior these are the penguins they obviously they are uh, taking the sun to reduce their temperature these, uh, these are the animals they need some heat to control their body temperature so this is the shade it is also having lights inside this this light will ref be reflected on their bodies and this will maintain their temperature and will provide heat to control their body temperature so these behavioral adaptations to regulate temperatures are usually provided to the animals by the nature and nature is very helpful in controlling the body temperature in animals